खजुराहो लोकसभा सीट से दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए बीडी शर्मा जी अभी हमारे साथ में हैं, नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी खजुराहो लोकसभा सीट पर। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है, हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। जनता हमारी भगवान है और जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है। आज मैंने सुबह मतंगेश्वर भगवान का आशीर्वाद में पहले लेकर के आया था, आज जुगल किशोर जी भगवान का आशीर्वाद लिया है और जनता के आशीर्वाद के साथ हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर हम मैदान में उतरे, आज नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हर बूथ मोदी बूथ बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसे ही नहीं बने, ऐतिहासिक बहुमत से खजुराहो लोकसभा का कमल का फूल पहले भी भारी था और इस बार तो स्वर्ण कमल बन करके निकल रहा है। स्वर्ण कमल बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में खजुराहो का स्वर्ण कमल इतिहास देश के अंदर बनाएगा। आज ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं, आप जिस तरीके से बूथ में आप वोट परसेंट बढ़ा रहे हैं, प्रत्येक बूथ पर 370 नए वोट बढ़ाकर इस बार हम 75% तक पहुंचेंगे, हमारा संकल्प है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अभी भी अगर उचित उम्मीदवार मिलता है तो दो दिन बचे हैं, टिकट बदली अभी भी ढूंढ रही है, अभी भी ढूंढ रही है। ढूंढ ले भैया और ढूंढो भैया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवारवाद तुष्टिकरण समाप्त कर दिया है, अब ऐसे लोग न देश के अंदर न प्रदेश के अंदर न खजुराहो के अंदर कहीं नहीं चलेंगे। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो कि खजुराहो लोकसभा सीट से दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं, आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे और स्वर्ण कमल के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश में निखर कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, वस्ता न्यूज़।